सितंबर 2019 को एक डेड बॉडी हमें मिली थी रायपुर गुजरा में कनाल में से, जो आर एस पुरा थाने में आता है। और वो डेड बॉडी जो थी उसको जो था वो एक जो केबल वायर होती है उसके साथ रैप किया हुआ था और एक बेडशीट के अंदर वो जो थी वो रैप करके वहाँ डाली गई थी। तो इसके ऊपर जो FIR था जो था वो रजिस्टर हुआ 171/2019 अंडर सेक्शन 302 एंड 201 RPC में। और उसके बाद जो डेड बॉडी जो थी उसका जो है वो जो उसका जो उसका वो पोस्टमार्टम है वो करवाया गया और डेड बॉडी को जो है वो रखा गया अपने जो आर एस पुरा में मार्ची रूम में, ताकि बॉडी जो है वो आइडेंटिफाई हो सके। कुछ दिन के बाद जो डेड बॉडी थी, जब उसकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो 26/9 को हो गई कि बॉडी जो थी ये इस जो था आदमी, इसका नाम विजय कुमार, डेड बॉडी विजय कुमार जो था, विजय कुमार सनअप देस राज, जो कि ये बिश्नाह का रहने वाला था। और इसकी जो थी डेड बॉडी जब आइडेंटिफाई हो गई तो उसमें जो है वो हमने जो थी वो स्टार्ट कर ली इन्वेस्टिगेशन, जो थी वो फर्दर इंटेंसीफाई हो गई। इनिशियली जो इसमें इन्वेस्टिगेशन थी वो SHO RS पुरा ने की, लेकिन बाद में एक SIT जो थी वो बनाई गई और उस SIT को जो थे वो हेल्प कर रही थी जो हमारी मैडम शीमा नबी कस्बा है, जो ASP RS पुरा है, और उसमें SHO बिश्नाह और SHO RS पुरा दोनों जो थे वो उसके मेम्बर थे। और इस SIT ने जो थे इसमें काम किया और जो सस्पेक्ट्स थे उनको राउंड अप किया गया। और तकरीबन बहुत सारे जो हमारे सस्पेक्ट्स थे उनको राउंड अप करने के बाद, इसमें थारो इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता ये चला कि ये जो था इसको, जो इनका अपना बेटा है उसकी ने जो है इसका मर्डर किया है। ये इंसिडेंट जो है ये 12 और 13 सितंबर 2019 की दरमियानी रात का है। बाप बेटे के बीच में पहले भी जो थे झगड़े होते रहते थे, इनकी आपस में कुछ ज़्यादा अच्छा जो रिलेशन है वो नहीं था। उस दिन भी शाम को तकरीबन 11 बजे इनकी आपस में जो थी वो लड़ाई हुई थी और उसके बाद तकरीबन रात को 1 और 1.5 बजे के बीच में इन दोनों की एक फिर दोबारा से जो है वो लड़ाई हुई, जिसमें गुत्थम गुत्था आपस में हुए, एक दूसरे को इन्होंने मारा। उसी दौरान चूंकि ये जो इसका फादर था ये जो था ये ड्रंक भी था और उस दौरान में समहाउ ही लास्ट हिज लाइफ, और जो ही लास्ट इज लाइफ, तो इसने सुबह उस दिन अगले दिन 13 की सुबह को इसने जो है अपनी जो कार वैगन आर थी वो उसमें जो है इसकी डेड बॉडी भर के और उसको जाके जो हमारा सतवारी पुलिस स्टेशन में एक दरब एक जगह है वहाँ जाके इसने जो डेड बॉडी है उसको नहर में डाल दिया, जो फाइनली जो है हमें रिकवर हुई RS पुरा से। इसकी इंटरोगेशन के दौरान इसने कन्फेस किया है अपना पूरा ये जो क्राइम है और इसके जो डिस्क्लोजर्स पे हमने जो कुछ चीज़ें जो हैं रिकवर की हैं, जैसे कि जो उसके फादर का जो मोबाइल था उनकी बैटरी रिकवर हो गई है जो इसने निकाली हुई थी, उसके अलावा एक उसका जो मेमोरी कार्ड था वो रिकवर किया गया है, उसके अलावा उसके स्लीपर्स जो हैं वो रिकवर हुए हैं, एंड इम्पॉर्टेंटली वो गाड़ी रिकवर हुई है जो गाड़ी जो है वो डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए इस्तेमाल की गई है। और इसका जो फर्दर जो इसकी इन्वेस्टिगेशन है वो भी चल रही है। इसकी कोई पहली क्रिमिनल बैकग्राउंड है? इसकी क्रिमिनल बैकग्राउंड एज सच कोई नहीं है, लेकिन इसने जो है जो इनकी आपस में जो इनके रिलेशन थे चूंकि वो अच्छे नहीं थे तो लिहाजा आपस में इनकी बनती नहीं थी। ये लड़का जो था इसने जब उसकी डेथ हो गई है, जब इसने बॉडी को डिस्पोज ऑफ किया है, उसके बाद एक दिन तक इसने मोबाइल जो है वो अपने पास रखा है और उसको बाकायदा एक दो दिन इसने कॉल्स किए हैं जो कॉन्टेक्ट मोबाइल में थे उनको कॉल्स किए हैं सो दैट टू मेक इट अपीयर कि द पर्सन इज अलाइव। वो कॉल्स इसने की हैं, हालांकि आगे जिन लोगों ने वो कॉल सुने हैं किसी ने उनकी आवाज़ नहीं सुनी, बट ही ट्राई टू मेक इट अपीयर एज इफ ही इज अलाइव। एज सच अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अभी चूंकि परसों ही इसको हमने अरेस्ट किया गया है, वी विल लुक इनटू आवर एफ। चलो।